नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ गरिमा भारती। जल के स्रोतों को बचाने के लिए, गिरते जल स्तर को रोकने के लिए आज अटल पूर्वांचल कार रैली निकाली गई है। पटना में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने झंडी दिखाकर अटल पूर्वांचल कार रैली को रवाना किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक कार है जिसमें तरह तरह की तस्वीरें लगी है, उसमें जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोट्स लिखे गए हैं और उस कार को पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस रैली के माध्यम से अधिक लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार विभिन्न माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। अटल पूर्वांचल कार 2019 का आयोजन आज किया गया है और इस रैली के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जाएगी। आप जानते हैं कि जल का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है और इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता की आवश्यकता है। इस रैली के माध्यम से उस जागरूकता अभियान को बल मिलेगा। मैं अपनी ओर से आयोजकों को बधाई देता हूँ। तो जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा और नंदकिशोर यादव द्वारा भी सुना कि जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये अटल पूर्वांचल कार रैली निकाली गई है। ये बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करेगी। अब देखना ये होगा कि जब ये कार अलग अलग जगहों में जाती है, इसमें लिखे मैसेजेस लोगों तक पहुंचते हैं, तो सच में लोग जल संरक्षण के प्रति प्रेरित हो पाते हैं, जागरूक हो पाते हैं या नहीं। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। All the best. Car number one. Car number two, please come. For your participation in the car run. And flag-off time for first vehicle is 9:45. So we just stand by for a minute and then flag off. Kindly stand 9:43:15, 9:43:16. Big hand for this. Tia ji, so kindly come on the stage and give a few words.